तो हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे रहेंगे। तो मैं हूं अनिल किसपोटा। तो फ्रेंड, आज हम आए हैं सेंटरिंग ढलाई जो हुआ था उसको, सेंटरिंग को खोलने आए थे। तो सेंटरिंग को खोलने आए थे तो हम लोग अभी है जगदीशपुर में। तो फ्रेंड, जगदीशपुर में है तो हम वीडियो का मतलब क्या है, हर चीज़ को बताएं, हर चीज़ को हिसाब किताब बताएं, पूरा नहीं बता पाए हैं। तो लिल्टन लेवल तक कितना खर्चा हुआ था, टाइपिंग तक कितना खर्चा हुआ था, छत में कितना खर्चा हुआ था, हर चीज़ बताए थे तो पूरा नहीं बता पाए थे, उसीलिए अभी बता रहे हैं। तो फिलहाल अभी वीडियो देखिए और वीडियो का मज़ा लीजिए, जो कि अभी सामान खुल रहा है, देख ही सकते हैं सामान खुल चुका है, देख ही सकते हैं सामान खुल चुका है, चारों तरफ सामान खुल चुका है। यहाँ जो रड छोड़ा हुआ है ना, ये रड है जो, वो थोड़ा डिजाइन निकलेगा और एक तला होगा तो डिजाइन निकलेगा, उसके लिए ये रड छोड़ा हुआ है, जो कि जब डिजाइन बनेगा बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लगेगा, जो कि दूर से देखने से बहुत अच्छा लगेगा, उसी लिए ये डिजाइन बना गया है। तो अभी ये खुल चुका है तो पूरा दिखाते हैं आपको, आप लोग को अंदर से भी दिखाते हैं। देख ही सकते हैं सेंटरिंग होने का टाइम है, यहाँ हम लोग सो रहे थे। अभी तो बालू का गादा किया गया है, बाहर में जो बच्चा था वो बालू को लेके आके अंदर गादा किया है, यहीं पे सो रहे थे भाई। हम लोग सेंटरिंग करने का टाइम यहीं पे सो रहे थे, रात दिन काम किए और ख़त्म किए। तो इधर भी अभी खुल रहा है, देख ही सकते हैं अभी भी खुल रहा है। तो ये पूरा खुल चुका है, ये हम लोग का एक टू रूम है, उसके बाद ये हम लोग का दूसरा रूम है, ये हम लोग का दूसरा रूम है, ये दो टू रूम हो चुका है। उसके बाद देख ही सकते हैं ये हम लोग का इधर किचन रूम इधर बनेगा, उसके लिए छोड़ा गया है किचन रूम। ये दरवाज़ा सीढ़ी का सामने जो दरवाज़ा है, सीढ़ी का सामने जो दरवाज़ा है, इसी के सामने हम लोग को किचन, यहाँ छोटा सा किचन होगा। तो अभी किचन नहीं हुआ है, तो उसके बाद यहाँ सीढ़ी है, देख ही सकते हैं सीढ़ी है। तो सीढ़ी भी बहुत अच्छा बना गया है, शायद हमको तो अच्छा ही लग रहा है। अच्छा ही लग रहा है, तुमको क्यों नहीं लगेगा, तुम बनाया है तो तो देख ही सकते हैं ये छत हो गया, ये हम लोग का छत हो गया अभी। तो फ्रेंड्स, तो अभी मालूम चल ही गया होगा, ये वीडियो बनाए हैं सबका मतलब एक ही टू सोच रहता है, ये वीडियो का मतलब एक ही टू सोच रहता है, जो कि आदमी को घर बनाना का सोच रहता है तो कितना खर्चा होगा मालूम नहीं चलता है, मालूम नहीं चलता है कितना रुपया खर्चा होगा, कितना रुपया क्या होगा, उसके लिए मालूम नहीं रहता है, उसी लिए हम ये वीडियो बनाए हैं जो कि आदमी को ऑटोमेटिक मालूम चल जाएगा। तो फिलहाल मैं अभी दिखाएंगे आप लोग को नीचे से दिखाएंगे, जो कि कहां कहां से कितना रुपया खर्चा हुआ, हर चीज़ को दिखाएंगे नीचे से दिखाएंगे, तो हर चीज़ को नीचे से दिखाएंगे आप लोग को। तो उसी लिए आप लोग ब्लॉग में बने रहे थोड़ा। तो फ्रेंड देख ही सकते हैं हम लोग नीचे आ गए हम। तो भाई फ्रेंड्स, जितना भी हैं दोस्त लोग जितना भी हैं, तो अभी बता रहे हैं हम लोग का जो ये घर में जितना खर्चा हुआ है, इतना बड़ा घर बनाने के लिए जो खर्चा हुआ है, उसी चीज़ को हम लोग दिखाएंगे अभी, तो कितना रुपया खर्चा हुआ है। तो देख ही सकते हैं फ्रेंड्स, पहले वीडियो में भी बताए थे टाइपिंग, जो ये टाइपिंग है, टाइपिंग लेवल तक हम लोग का खर्चा हुआ था 1,00,000, ये टाइपिंग में खर्चा हुआ था 1,00,000। उसके बाद लिल्टन में खर्चा हुआ था, भूल गए हैं, लिल्टन में खर्चा हुआ था। झड़िया भाई आया हुआ है, झड़िया दिखाएगा अभी। तो दोस्तों हम नीचे आ चुके हैं, तो अभी देख ही सकते हैं जो टाइपिंग है इसका हिसाब बताएंगे बोले थे, तो इसका हिसाब हो गया नीचे का जो टाइपिंग लेवल है, टाइपिंग लेवल तक 1,00,000 रुपया खर्चा हुआ था।
1 लाख रुपया टाइपिंग लेवल तक खर्चा हुआ था। उसके बाद जो लिल्टन लेवल है, ये लिल्टन लेवल जो जो खिड़की का ऊपर जो रहता है, खिड़की का ऊपर जो छज्जा रहता है उसको टाइपिंग बोलते हैं, उसका टाइपिंग लेवल तक खर्चा हुआ था ये 1 लाख हो गया। उसके बाद ऊपर हो गया 70,000, यहाँ तक हो गया मतलब ईंटा खरीदा हुआ था, ईंटा एक भी मतलब एक भी ईंटा खरीद के नहीं लगाए हैं, ईंटा का प्लस करने से और ज़्यादा होगा। अभी ईंटा का छोड़ के बता रहे हैं, ईंटा खाली कितना हुआ था हम जो कि 3 ट्रक में जो ट्रक है, ट्रक में 3 ट्रिप ईंटा लगा है, 3 ट्रिप ईंटा, 3 ट्रिप वो अलग हिसाब है, वो ईंटा जो 3 ट्रिप है वो अलग हिसाब है। बाद बाकी लिल्टन तक 70,000 रड ईंटा बाल ईंटा चो रड सीमेंट उसके बाद लेबर खर्चा टोटल यहाँ से वहाँ तक मतलब जो टाइपिंग से लिल्टन तक खर्चा हुआ जो हुआ 70,000 हुआ, 70,000 हुआ है, दोनों मिला के 2,03,000 करीब हो गया, 3-4 मतलब 2,10,000, 2,10,000। उसके बाद जो आया ऊपर में जो बचा, ऊपर में जो बचा है वो है, ऊपर में जो बचा है वो है छत लेवल। जो छत लेवल में खर्चा कितना हुआ हम बताएंगे, छत लेवल में खर्चा हुआ भाई दिखा दो कितना कितना खर्चा हुआ छत लेवल में, भाई छत लेवल में दिखा दो कितना कितना खर्चा हुआ है। तो दोस्तों देख ही सकते हैं, दोस्तों देख ही सकते हैं ये हम लोग का जो ये बिल्डिंग का जो है, बिल्डिंग का हम लोग का हिसाब किताब है। चुपचाप रहे जो दोस्तों, ये हम लोग का जो बिल्डिंग का हिसाब किताब है वो पूरा हिसाब किताब 00 यहाँ किया गया है, जो कि देख ही सकते हैं ये मार्किंग है 1, 2, 3 यहाँ 4 नहीं है, 4 उसके बाद 5, 6 इसके बाद 7, 8, 9, 10 उसके बाद यहाँ नहीं है 11, 12, 13, 14 में ख़त्म है। तो 14 तो आप लोग को बताएंगे 14 तक क्या क्या हुआ, उसके बाद दिखाएंगे आप। तो 14 तक एक नंबर में हुआ, फर्स्ट हफ्ता जो उनका जो काम हुआ, फर्स्ट हफ्ता में जो पेमेंट हुआ इतना हुआ, सेकेंड हफ्ता में हुआ जो इतना हुआ, थर्ड हफ्ता में हुआ इतना हुआ, 1, 2, 3 तीन ठू का हिसाब यहाँ है लिखा हुआ है, 1, 2, 3 यही 3 ठू का हिसाब यहाँ लिखा हुआ है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इसका हिसाब ए साइड में है, हम भूल गए थे, नहीं 4 नंबर तक है, 4 तो 4 नंबर तक है, 1, 2, 3, 4 चार नंबर में इतना हुआ, 4 नंबर तक ये 4 नंबर है, ये 4 नंबर यहाँ है इसका हिसाब यहाँ लिखा हुआ है, तो देख ही सकते हैं। उसके बाद ये 62,000 जो लिखा हुआ है अलग है, 5 नंबर जो है वो ये है, ये 62 नंबर ये वाला जो जो क्या क्या खर्चा हुआ है यहाँ लिखा हुआ है, देख ही सकते हैं, रॉड सीमेंट बेंडिंग वेयर सीमेंट बालू गिट्टी ये सब सब टोटल लिखा हुआ है कितना 62,000 हुआ है, ये चीज़ लिखा हुआ है। उसके बाद वही टोटल हो के 1 लाख तक खर्चा, 1 लाख खर्चा हुआ है, 1 लाख खर्चा हुआ है यहाँ लिखा हुआ है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दस इतना का पूरा हिसाब यहाँ 29,000 हो गया। ये है दोस्तों, ये है हम लोग का जो टाइपिंग से ऊपर जो हुआ उसका हिसाब है, टाइपिंग से ऊपर जो हुआ काम उसका हिसाब है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ तक टाइपिंग का ऊपर, जो टाइपिंग का में रड जो लगा बेंडिंग वेयर सीमेंट जो लगा उसका हिसाब हो गया 21,000। उसके बाद हो गया ये है 4,000 सीमेंट, फिर
नीचे से जो सीमेंट लगा उसका हिसाब ये है 21,000। उसके बाद जो ढलाई में जो लेल्टन ढलाई में जो खर्चा हुआ वो सीमेंट का खर्चा और जो बेंडिंग वेयर का खर्चा यहाँ लिखे हुए हैं 27,000 हुआ। तो दोनों मिला के जो ये लेबर खर्चा 39,000 और 27,000 दोनों मिला के हो गया 66। तो 66,900। और उसके बाद अगले बार हुआ था टाइपिंग लेवल तक 1,00,000 हुआ था। तो 1,00,000 और 67 दोनों मिला के 1,67,000 खर्चा हुआ उसके बाद 11 नंबर 12 नंबर 13 नंबर 14 नंबर बच्चा है तो हम लोग को 14 नंबर तक हिसाब करना है। तो 11, 12, 13, 14 कहाँ लिखे हैं दोस्तों? 11, 12, 13, 14 का हिसाब यहाँ पे लिखे हैं। 11, 12, 13 का हिसाब यहाँ 8,000 लिखे हैं। उसके बाद पिछले वाला जो 1,67,000 दोनों मिला के 1,76,000 हो गया दोनों मिला के। इतना पैसा हो गया हम लोग का जो लिल्टन लेवल छत तक जो लिल्टन लेवल से ये टाइपिंग लेवल मतलब जो छत लेवल तक लिल्टन लेवल से छत लेवल तक हम लोग का पैसा हो गया 1,76,000। जो कि हम बताएं जो टाइपिंग लेवल टाइपिंग से लिल्टन तक 70,000 खर्चा हुआ। उसके बाद ऊपर नहीं बताएं जो कि छत लेवल तक कितना खर्चा हुआ उसको भी बता देते हैं। छत लेवल तक 15,000 खर्चा हुआ। तो दोस्तों इतना बता नहीं सकेंगे। यहाँ से जो टाइपिंग जो ये टाइपिंग से लिल्टन का ऊपर जो छत लेवल होता है उस वहाँ तक खर्चा हुआ हम लोग का 1,76,000। उसके बाद जो 1,76,000 खर्चा होने के बाद जो सेंटरिंग खर्चा हुआ उसको आप लोग को दिखाएंगे। तो उसका खर्चा हुआ आप लोग को दिखा रहे हैं। सेंटरिंग में जो खर्चा हुआ सेंटरिंग में काम किए लोग 10 तारीख अक्टूबर से 22-10 तारीख तक काम किए लोग का 2,00,000 दोनों मिला के 27,000 हुआ। तो पहले से हुआ था 1,76,000 खर्चा हुआ था। उसके बाद 27,000 प्लस होने से 2,03,000 खर्चा हुआ। उसके बाद 2,30,000 होने के बाद छत में जो रड सीमेंट लगा 400 रुपया करके 70 बोरी सीमेंट लगा रड लगा 41,000 का और सेंटरिंग जो खर्चा हुआ सेंटरिंग में 30,000। उसके बाद टोटल मिला के ढलाई हो के ढलाई में 15,000 खर्चा हुआ। तो टोटल मिला के पहले से 2,03,000 हुआ था। उसके बाद साफ ढलाई में जो राड सीमेंट गिट्टी बालू सब मिला के 1,29,000 हो गया दोनों मिला के 3,47,000 इतना खर्चा हुआ जो कि इतना काम हुआ। तो दोस्तों तो हम लोग तो बता चुके हैं। तो इतना ही में हम वीडियो अपना बंद करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। काहे नहीं करते हैं हमको समझ में नहीं आता है लेकिन कीजिए ज़रूर। काहे कि इतना कॉस्ट लगता है इतना बहुत दिक्कत लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए जो कि हमको ऐसे ऐसे वीडियो में बनाने के अभी मज़ा आएगा। तो इसीलिए आप लोग इतना हिसाब देते हैं कोई नहीं बताता है इतना अच्छा से अच्छा इंजीनियर नहीं बताता है।
तो हम इंजीनियर का काम करके आपको दिखा दे रहे हैं, इंजीनियर का कैसा खर्च कास्ट का क्या करना पड़ता है, हर चीज का दिमाग दे रहे हैं आप लोगों को। तो लाइक सब्सक्राइब तो जैसे भी कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत। इतना ही है, हम वीडियो बंद करते हैं।